नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। धनतेरस के पावन पर्व पर किस राशि के लोग क्या खरीदें जिससे उनके जीवन में शुभता बढ़े, माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त हो, उनकी मनोकामना पूर्ण। आप सब जानते हैं कि धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के, दवाइयों से भरा हुआ कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत कलश इसलिए कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के हाथ में जो कलश था उसमें सभी प्रकार की औषधियों का रस था। तो भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से इसी दिन दवाइयों से भरी हुई, औषधियों से भरी हुई कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। तो भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। इस दिन आप क्या खरीदें जिससे कि आपके जीवन में शुभता और बढ़े, क्योंकि धनतेरस के दिन अक्सर लोग सोना चांदी बर्तन खरीदते हैं। भगवान धन्वंतरी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में धन बढ़े, इसके लिए आप अपनी राशि अनुसार परचेजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आप लोगों के लिए सलाह ये है कि आप तांबे या पीतल के बर्तन खरीदें या ऐसी मिक्स धातु के बर्तन खरीदें जिसमें तांबा और पीतल मिला हुआ हो। आजकल मिक्स धातुओं के भी बर्तन आते हैं, या तांबे के बर्तन ले सकते हैं। तांबे का आप जग ले सकते हैं पानी पीने के लिए, तांबे के बर्तन ले लीजिए, या पीतल के बर्तन ले लीजिए। पीतल के बर्तन भोजन ग्रहण करने के लिए बहुत उत्तम रहते हैं। तो तांबे या पीतल के बर्तन या तांबे या पीतल की सामग्री आप ले सकते हैं। पूजा के बर्तन ले सकते हैं आप तांबे के और पीतल के। तो जो भी आपको अच्छा लगे तांबे और पीतल के बर्तन आप धनतेरस के पावन पर्व पर खरीद सकते हैं। बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वाले क्या खरीदें। देखिए, आपके लिए सलाह ये है कि आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं या फिर स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। आपके बजट पर डिपेंड करता है। यदि आपको भगवान की पूजा के लिए बर्तन चाहिए तो आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। यदि आप लक्ष्मी गणेश लेना चाहते हैं तो चांदी के लक्ष्मी गणेश धनतेरस के दिन ला सकते हैं। तो चांदी के बर्तन ले सकते हैं, चांदी का सिक्का भी आप ले सकते हैं या फिर स्टील के बर्तन ले सकते हैं धनतेरस के पावन अवसर पर। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले क्या खरीदें। मिथुन राशि वालों के लिए सलाह ये है कि धनतेरस के पावन अवसर पर आप अपने घर में पौधे लगाइए, ग्रीनरी को बढ़ाइए अपनी लाइफ में। देखिए, भगवान धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर माने जाते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हेल्थ से बड़ा कोई धन है ही नहीं। तो मिथुन राशि वालों के लिए सलाह ये है कि आप ग्रीन कलर के अच्छे प्लांट, अच्छे पौधे आप धनतेरस के दिन अवश्य खरीदें, अपने घर में लेकर के आएँ। और जैसे औषधियों, मीठी नीम का पौधा आप ला सकते हैं। औषधि गुणों से युक्त हर पौधा औषधि गुणों से युक्त होता है। तो आप कोई अच्छा पौधा जो आपके मन पसंद का हो वो अवश्य आप लेके आइएगा यदि आपकी मिथुन राशि है। इसके अलावा यदि आप सामान खरीदना चाहते हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो क्या खरीद सकते हैं कि आप टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी आइटम भी खरीद सकते हैं मिथुन राशि वाले। जैसे कोई पुस्तक लेनी है या स्टेशनरी का आइटम लेना है, पेन पेंसिल, इस तरह की चीज़ें की भी शॉपिंग आपको करना चाहिए मिथुन राशि यदि आपकी है। उससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपको धन लाभ होगा। बारी आ गई अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले क्या खरीदें। देखिए, कर्क राशि वाले चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, या कर्क राशि वाले ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो सफ़ेद रंग की हों। तो सफ़ेद रंग का भी कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। सिंह राशि वाले क्या खरीदें। देखिए, यदि आपके सिंह राशि है तो आप पीतल के बर्तन ले सकते हैं या कोई ऐसा सामान ले सकते हैं जो हीट प्रोड्यूस करता हो। जैसे हीटर ले सकते हैं, आप हीटर ले लीजिए, माइक्रोवेव ले लीजिए, जिसमें चीज़ें गर्म होती हैं, वो चीज़ें भी सिंह राशि वाले
खरीद सकते हैं धनतेरस के पावन अवसर पर। बारी आ गई अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वाले धनतेरस के इस पावन अवसर पर यदि आप फिल्टर खरीदना चाहते हैं, यदि आप मयूर जग खरीदना चाहते हैं, जैसे पानी के लिए जो जग आते हैं बड़े बड़े जग और पानी का जो फिल्टर है या जो आरओ होता है जिससे पानी क्लीन करते हैं आप, तो उस तरीके की कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कन्या राशि वाले खरीद सकते हैं इस पावन अवसर पर। तो जिसका संबंध जल से हो या जल पात्र हो, जैसे आप जग ले लीजिए या कोई और जिसमें जल भरना है वो चीज़ लेना चाहते हैं, तो जल पात्र और जल से संबंधित चीज़ें कन्या राशि वाले खरीदेंगे तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? देखिए, तुला राशि वाले डायमंड ले सकते हैं। यदि आपका बजट है तो आप डायमंड ले लीजिए। डायमंड नहीं लेना है तो सफ़ेद डायमंड की तरह चमकने वाले रत्नों से जड़ित कोई आभूषण ले सकते हैं, या आप चांदी खरीद सकते हैं, या आप स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की बात करें कि आप क्या ले सकते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले सोने के आभूषण खरीद सकते हैं, सोने की चीज़ें खरीद सकते हैं, या आप पीतल की चीज़ें भी खरीद सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले क्या खरीद सकते हैं? आप सोने की चीज़ें खरीद सकते हैं या पीले रंग की कोई चीज़ खरीद सकते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो येलो कलर का हो वो ले सकते हैं, या आप पीतल की धातु का ले सकते हैं, स्वर्ण भी आप खरीद सकते हैं, सोने की बनी हुई चीज़ें भी आपके लिए शुभ रहेंगी। मकर राशि वालों की बात करते हैं। मकर राशि वाले क्या ले सकते हैं? यदि आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है जिसमें कपड़े साफ़ करते हैं वो मशीन ले सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसा सामान लेना है कि जिससे घर की सफाई होती है, जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं जो आप घर साफ़ करने में इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाली मशीनें, तो वो अगर आप लेना चाहते हैं और आपकी मकर राशि है तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आप ले सकते हैं। यदि आप बर्तन खरीदना चाहते हैं तो ऐसे बर्तन ले सकते हैं जो स्टील के हों या जिनमें आयरन का इस्तेमाल किया गया है, लोहे का इस्तेमाल किया गया है, वो भी ले सकते हैं। यदि आप प्रेस खरीदना चाहते हैं तो स्टीम प्रेस या प्रेस जिससे आप कपड़ों में प्रेस करते हैं वो प्रेस भी ले सकते हैं, यदि आपकी मकर राशि है। बारी आ गई अब कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए? देखिए, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लोहे की यदि आप मान लीजिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी ले सकते हैं, लोहे का बना हुआ कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं, कोई भी सामान यदि आपका मन करे तो आप ले लीजिए। यदि आपकी कुंभ राशि है तो आयरन आपके लिए शुभ रहेगा। बारी आ गई मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को स्वर्ण धातु, सोना बहुत शुभ रहेगा, तो आप सोना ले सकते हैं, या सोना नहीं बजट है तो आप पीतल की सामग्री ले सकते हैं, पीतल का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिसमें पीतल का इस्तेमाल हुआ हो, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो राशि अनुसार आप चीज़ों का क्रय करके अपने जीवन में शुभता को और बढ़ा सकते हैं धनतेरस के इस पावन अवसर पर। और याद रखिएगा, जो भी सामग्री आप लेकर के आएंगे तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का और कुबेर जी का पूजन करिएगा। कुबेर जी धन के देवता माने जाते हैं, और जो आप सामग्री लेके आए हैं वो ज़रूर उसमें शामिल करिएगा, रखिएगा और उसे तिलक करिएगा, इसके बाद उसका प्रयोग शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। कल मिलेंगे तो कुछ और आपको रोचक चीज़ें बताएंगे जो आप दिवाली के पावन अवसर पर या दिवाली का ये जो पंच दिवसीय त्यौहार होता है इसमें आप करके अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दिवाली पर ये जो हमारे विशेष एपिसोड हैं ये आप ज़रूर देखिएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करिएगा, जिससे आपके जीवन में धन की कमी ना रहे और उन्नति के रास्ते आपके लिए बनते चले जाएं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक। जय श्री कृष्ण।